नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में होने वाले महा जनसंख्या विस्फोट के बारे में। आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि भारत की सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। आने वाले सालों में यानी कि 2023 में भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया का आबादी के मामले में नंबर वन देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो 2030 में भारत की जनसंख्या चरम पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या का असर आज भी आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और बढ़ती महंगाई। हमारे देश में बेरोजगारी दर इस प्रकार बढ़ गई है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो आज पढ़े लिखे व्यक्ति को जॉब दे रहा है। अगर देखा जाए तो जनसंख्या ही एक देश में कई समस्याओं को जन्म देती है। अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो लोगों को शारीरिक रूप से कमजोरी भी महसूस होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो भारत की जनसंख्या 2030 में 1,40,000 तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक एवं प्रभावशाली होंगे। आइए देखते हैं, अगर भारत की जनसंख्या 1,40,000 तक पहुँच गई तो इसके क्या परिणाम होंगे। इतनी जनसंख्या होने पर भारत में आपराधिक गतिविधियां इस कदर बढ़ जाएंगी कि लोग पैसे और खाने की चीज़ों के लिए लड़ने लगेंगे। उस वक्त प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाएगा, कम उम्र में ही लोग मरने लगेंगे। उस समय पानी की समस्या भी इस कदर बढ़ जाएगी जिसकी कल्पना करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रदूषण की वजह से पानी भी इतना प्रदूषित हो जाएगा जो पीने लायक नहीं रहेगा और पानी भी बिकने लगेगा। सोचिए, जिस देश में पीने का पानी बिकने लग जाए उस देश के हालात क्या होंगे। 2030 में आने में वैसे अभी 8 सालों का वक्त है, परंतु जैसी स्थिति 2022 में बनी हुई है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 में स्थिति कितनी खराब होगी। दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारियां और फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।